सो वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो आज की मैं दो बातें करूँगा कि आज जो होने वाला मैच है और जो 12 तारीख से विंडो स्टार्ट हो गई है, 12 तारीख से 17 तारीख तक ये विंडो चलेगी, ट्रांसफ़र विंडो। और इसके जो रूल्स होंगे, मैं आपको पहले रूल समझा देता हूँ उसके रूल्स क्या होंगे। इसके रूल्स ये होंगे कि भाई जो प्लेयर 2 से कम मैच खेले होंगे वो ट्रेड होंगे। 4 प्लेयरों का नाम आया है जिसमें अजिंक्य रहाणे, क्रिस लिन, इमरान ताहिर और मैकमेलेन। तो ये प्लेयर हैं जो रहाणे को जिसने अप्रोच किया टीम ने, CSK और सनराइज़र हैदराबाद, और क्रिस लिन को किया है चेन्नई सुपर किंग ने। तो ये है, और जो इमरान ताहिर हैं वो किया है दिल्ली कैपिटल ने। तो देखते हैं कि कौन से प्लेयर जाते हैं कौन से नहीं जाते। पर मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि मुंबई इंडियंस ने मना कर दिया है कि हम अपने प्लेयर को दूसरी टीम में नहीं जाने देंगे। और जब से दिल्ली में नहीं जाने देगी, दिल्ली का जो ऋषभ पंत है वो इंजर्ड हो गया, हफ्ते के लिए बाहर है, तो दिल्ली भी नहीं जाने देगी अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे आपको प्लेइंग 11 में आज भी दिखेंगे। और हम बात कर लेते हैं ये रूल्स कैसे रहेंगे। ये रूल्स ये है कि जैसे फुटबॉल में होता है ना ट्रांसफ़र विंडो में, कि ये होता है कि भाई तुम प्लेयर को दूसरी टीम में, दोनों की सहमति होनी चाहिए, प्लेयर के भी और टीम की। अगर टीम की सहमति नहीं है तो वो प्लेयर नहीं आ सकता। तो जैसे मैंने टीम ले ली, फिर मैंने उस प्लेयर को ले लिया, तो उसकी टीम वालों को होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इसको भेज सकता हूँ। और पर वो एक ये रूल है कि वो चला तो जाएगा, ट्रांसफ़र तो हो जाएगा, पर वो जो नेक्स्ट सीज़न है वापस उसी टीम में वापस आ जाएगा, 7 मैच के बाद उसी टीम में वो वापस आ जाएगा। और जो अपनी सामने वाली टीम होगी ना, जैसे मेरी दिल्ली कैपिटल में है और दिल्ली कैपिटल में अजिंक्य रहाणे हैं, अजिंक्य रहाणे को हम CSK में भेजते हैं, तो CSK का मैच अगर दिल्ली कैपिटल से हुआ तो वो उसमें नहीं खेलेगा, प्लेइंग 11 में उसे जगह नहीं मिलेगी। मतलब जिस टीम से प्लेयर गया है वो उस टीम के खिलाफ मैच नहीं खेल सकता। तो ये उसका रूल है। और 17 तारीख तक ये विंडो चलेगी, देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर ट्रेड होंगे इसमें। बाकी दोनों क्रिस लिन और दिल्ली कैपिटल का जो अजिंक्य रहाणे हैं, इन्होंने तो वापस ले लिया है ना कि ये ट्रेड नहीं होंगे, हम इन्हें होने नहीं देंगे। बाकी जो इमरान ताहिर है वो दिल्ली कैपिटल में आ सकता है, आप देख सकते हैं कि आते हुए दिल्ली कैपिटल ने अप्रोच किया है। तो आज की ये थी अपडेट ट्रांसफ़र विंडो की। तो अब हम बात करते हैं अपना जो 30वां मैच है उसकी। तो आज जो मैच है ये दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच है। और ये वेन्यू कहाँ पे है, ये हो रहा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। और यहाँ की पिच बैटिंग भी अच्छी करती है, बॉलिंग भी अच्छी करती है, पर रन स्कोर ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों टीम में धुआंधार बैट्समैन है। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो पहले दिल्ली कैपिटल की बात करते हैं। शिखर धवन, पृथ्वी शो, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, कपिल रवाड़ा, आर अश्विन और नोटिचे। तो ये तो इनकी प्लेइंग 11 है, बहुत ज़बरदस्त प्लेइंग 11 है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, स्टीन स्मिथ, संजू सैमसंग, रॉबिन उथप्पा, रेयान पराग, राहुल त्रिवतिया, जोफ्रा आर्चर, शिरीष गोपाल, कार्तिक त्यागी और जयदेव उनाकत। तो ये हुई इनकी टीम, दोनों की प्लेइंग 11। तो अब हम बात करते हैं ये पॉइंट्स टेबल पे, ये पॉइंट्स टेबल पे ये टीम, दोनों टीम कहाँ पे हैं। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स ने 7 में से 3 मैच जीते हैं, इन 4 हारे हैं और 6 पॉइंट हैं इनके। तो ये सेकंड लास्ट टीम है। और रही दिल्ली कैपिटल की बात, दिल्ली कैपिटल इस सीज़न बहुत तगड़ी फॉर्म में है। तो दिल्ली कैपिटल 7 में से 5 मैच जीती है और 2 हारे हैं और इनके पॉइंट हैं 10। और पिछला मैच दिल्ली कैपिटल हार के आ रही है मुंबई से, और RR जीत के आ रही है। तो दिल्ली कैपिटल ये मैच जीतेगी क्योंकि फॉर्म में भी है, बाकी दोनों टीम बहुत अच्छी है, RR को जीतना भी ज़रूरी है। तो आज मैच कुछ भी हो सकता है, आज की प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैच कुछ भी हो सकता है। और आप अगर ड्रीम 11 कर रहे खेल रहे हैं तो आज जॉस बटलर को ज़रूर लें और अजिंक्य रहाणे को भी ज़रूर लें, क्योंकि ये दोनों आज आपको रन मार के दिखाएंगे। आज अजिंक्य रहाणे अपने दिल्ली कैपिटल के साथ रह के 50 दिखेगी आपको, आज वो 50 मारेगा अजिंक्य रहाणे। और दिल्ली की जो बॉल, और इनकी बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की। दिल्ली की ओपनिंग बहुत अच्छी है और इनकी भी ओपनिंग अच्छी है। मिडल ऑर्डर की बात करें तो मिडल ऑर्डर का दिल्ली का ज़्यादा अच्छा है। और स्पिन की बात करें तो भाई दिल्ली की स्पिन भी अच्छी है, उनकी भी ठीक ठाक है। और पेस बॉलिंग की बात करें तो दिल्ली की पेस बॉलिंग भी अच्छी है। तो ऑलराउंडर में जो
सबसे बढ़िया है ऑलराउंडर, वो भी दिल्ली के पास ही अच्छा है। तो जो ये पूरी टीम है, ये पूरी बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम बनाई है रिकी पोंटिंग ने इस साल। तो ये टीम आपको जीतती हुई दिखेगी और बिल्कुल बैलेंस टीम है। मतलब दो प्लेयर इनके बाहर हो गए पूरे IPL से और दो इंजर्ड भी हो गए, उसके बाद भी ये टीम इतनी ख़तरनाक है। और अगर लगा लो अगर वो इंजर्ड नहीं होते, अगर दो चार प्लेयर, तो कितनी और ख़तरनाक टीम होती है। तो अब हम प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई कौन सी टीम आज जीतने वाली है। पर आज का जो मैच है, राजस्थान अपना पूरा जी जान लगा देगी और दिल्ली कैपिटल भी जीतने के जी जान लगा देगी। तो फिर भी हम दिल्ली में रहते हैं तो हम दिल्ली कैपिटल का सपोर्ट करेंगे, दिल्ली कैपिटल आज का मैच जीत देगी। और मेरी वीडियो को अच्छी लगी तो कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और यार मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। बाय बाय।